उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में नया मोड़ सामने आ चुका है। एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं बदल दी हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र टेनी 14 लोगों पर जांच के बाद धाराएं बदली गई हैं। सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप लगाया गया है। जी हां, एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। आपको बता दें कि इस साल 3 अक्टूबर को यूपी में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 4 किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल दिया गया था, जब वे एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी मौजूद थे। घटना के बाद हुई हिंसा में कुछ लोग मारे गए। घटना के दौरान एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप भी मारे गए थे। किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्र टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्र था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई 8 अक्टूबर को हुई थी। हिंसा के कई दिनों बाद आशीष मिश्र उर्फ मोनू को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।